हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शानी पनी एजुकेशनल एकेडमी। चलो तो हमने हमारे लास्ट वीडियो में जो हमारा सेकंड यूनिट है, क्या है हमारा सेकंड यूनिट, मॉल एंड रेट फाइंड अ होम, तो उसका हमने आधा लेसन स्टडी किया था। ठीक है, कहाँ तक का लेसन हमने स्टडी किया था, यहाँ तक। तो जो बाकी का जो लेसन है वो हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो पहले देखते हैं कि हमने कहाँ तक का हमारा लेसन जो कंप्लीट किया है उसमें क्या आया था। तो मैं आपको उसकी एक झलक देती हूँ। तो मोल एंड रेट करके दो फ्रेंड है। तो जो मोल है उसने काफ़ी टाइम से अपना घर नहीं देखा हुआ है। वो किसके साथ रहता है, रेत, वो रेत के साथ रहता है। तो एक दिन वो अपने घर को मिस करता है, तो उसके फ्रेंड रेत को कहता है, वो उसके फ्रेंड को प्यार से क्या कहता है, रेती कहता है। तो वो उसको बोलता है कि मैं मेरे घर को मिस कर रहा हूँ। तो वो दोनों कहते हैं कि हम दोनों मिल के तेरे घर को ढूंढेंगे। तो वो दोनों मिलके उसके घर को ढूंढ लेते हैं, और जब वो घर मिल जाता है तब वो मोल है वो रोने लगता है। क्यों रोने लगता है, तो जो वो घर है वो एकदम ठंडा है और डार्क, यानी कि घर में पूरा अंधेरा है, और डस्टी यानी कि धूल वाला घर है। ठीक है, तो वो रोने लगता है और कहता है कि मैं तुझे यहाँ पे लेके क्यों आया। कौन कहता है ऐसा, मोल किसको कहता है, रेती को। तो हमने यहाँ तक का लेसन हमारा स्टडी किया था। उसके बाद का हम देखते हैं, और जो स्पेलिंग्स आती हैं वो स्पेलिंग्स इसमें हैं। चलो, रेट वॉज नॉट लिसनिंग, रेट ये सुन नहीं रहा था। वो जो मोल रोके उसको बता रहा था कि मैं तुझे यहाँ पे क्यों लाया, घर ऐसा है वैसा है, वो कौन नहीं सुन रहा था, रेत नहीं सुन रहा था। ही वॉज रनिंग अराउंड द हाउस सर्चिंग फॉर लाइट्स, व्हाट अ नाइस लिटल हाउस, शेड रेट। और वो रेत ने क्या कहा, वो इधर उधर ढूंढ रहा है लाइट के लिए, कोई चीज़ ढूंढ रहा है कि कोई चीज़ मिल जावे जिसके कारण प्रकाश हो जावे। तो वो ढूंढ रहा था और कहता है कि कितना छोटा सा मस्त घर है। आई विल लाइट अ फायर एंड यू कैन डस्ट, वी विल क्लीन दिस प्लेस इन नो टाइम, रेट वॉज राइट। सन द फायर प्लेस वॉज लाइट अप एंड द हाउस वॉज ब्राइट क्लीन एंड ट्राइडी। तो क्या कहा कि जो रेट है उसने कहा कि मैं फायर यानी कि मैं आग का इंतजाम करता हूँ, और तू डस्ट यानी कि धूल निकाल। तो वो लोग फटाफट से क्या करते हैं, घर को पूरा क्लीन कर देते हैं कि हम दोनों अगर साथ में क्लीन करेंगे तो नो टाइम, थोड़े ही टाइम में हो जाएगा। रेट सही कह रहा है। तो थोड़ी देर में उन्होंने आग जला ली, मतलब कि प्रकाश ला दिया, और जो घर है वो ब्राइट प्रकाशने लगा, क्लीन यानी कि साफ हो गया, टाइडी यानी कि एकदम स्वच्छ हो गया। तो उसके बाद क्या देखते हैं, व्हाट अबाउट डिनर, क्राइड मोल। मोल फिर से रोने लगा, क्या कहता है, अब डिनर का क्या होगा, क्योंकि घर तो उन्होंने जैसे वैसे चीज ढूंढ के घर तो उन्होंने क्लीन कर दिया, घर में उजाला भी कर दिया, पर अब डिनर का क्या। रेट स्माइल, रेट स्माइल एंड चीयरफुली रिप्लाइड, आई एम श्योर वी कैन फाइंड सम। रेट स्माइल एट कि हंसने लगा, चीयरफुली यानी कि एकदम हैप्पी होके उसने क्या रिप्लाई किया, आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ कि हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। रेट वॉज राइट अगेन, रेट फिर से सही निकला। दे सर्च द कपोर्स, कपोर्स एटले कि कबाट, उन्होंने क्या सर्च किया, कबाट। They found sardines and crackers. They even found 4 bottle of cider. It is a feast, secret rat with delight. तो यहाँ पे कपर्स का मीनिंग होता है कबाट, और फिस्ट का मीनिंग होता है मिजबानी, यानी कि अच्छा खाना होता है उसको फिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसका मीनिंग क्या होता है, मिजबानी। अब देखो यहाँ पे उन्होंने कबाट ढूंढ लिए, फिर यहाँ पे एक शब्द, एक वर्ड्स आया सरडाइंस, तो इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे हमें ऑरेंज बॉक्स में दिया है, अ टाइप ऑफ फिश, यानी कि जो मछली आती है खाने में उसका एक टाइप होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सरडाइंस। और क्रैकर्स, तो एक्चुअली क्रैकर्स का मीनिंग होता है पताखा, मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्रैकर्स का मीनिंग होता है पताखा, पर हमारे जो ये लेसन है, ये लेसन में क्रैकर्स का मीनिंग पटाखा नहीं है, पर क्या है, अ थिन क्रिप्स बिस्किट, के पताखे की जैसी थीन यानी कि पतली पतली जो बिस्किट आती है उसे यहाँ पे क्या कहा है, क्रैकर्स कहा गया है। तो इसीलिए उसका हमें नीचे मीनिंग दिया गया है। तो क्या उन्होंने क्या ढूंढा, तो वो जो फिश है वो सरदाइंस और क्रैकर्स यानी कि बिस्किट ढूंढ ली। दे इवन फाउंड 4 बॉटल्स ऑफ साइडर,
यहाँ पे जो साइडर है इसका मीनिंग क्या है, अ ड्रिंक मेड फ्रॉम द जूस ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स यानी कि सफरजन, सेब, तो सेब का जो जूस होता है, तो वो जो सेब का जूस होता है उसमें से ये ड्रिंक बनाया गया है, तो हम उसको फ्रूट बियर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो यहाँ पे साइडर है, तो उन्होंने उनको कबाट में से क्या मिली, 4 बोतल साइडर की मिली, हम पिक्चर्स में देख सकते हैं, 1, 2, 3 और 4 4 बोतल मिल गए उनको साइडर की। ये जो है वो क्या है, फिश, तो उसको क्या बोलेंगे, सर्दाइंस, वो जो फिश का टाइप होता है वो, और ये पता के जैसे बिस्किट मिल गए उसको क्या कहा है, क्रैकर्स कहा गया है, ठीक है। तो उनको वो 4 बोतल मिली, इट इज़ अ फिश, ये तो मिजबानी हो गई। स्क्वेल रेथ वॉज डिलाइट, स्क्वेल का मीनिंग होता है लाउड क्राई, यानी कि खुशी से जोर से रोने लगता है रेत, और एकदम से खुश हो जाता है। दे एन्जॉय देयर डिनर एंड वेंट ऑफ टू स्लीप देयर वार्म टीनी बेर्स, उन्होंने खाना एन्जॉय किया, डिनर एन्जॉय किया, और फिर अपने टीनी बेर्स यानी कि छोटे छोटे गरम गरम बेड पे जाके वो लोग सो गए, ठीक है। तो ये हमारा हुआ 2nd यूनिट कम्प्लीट। इसमें मोल और रेत दोनों फ्रेंड हैं, वो मोल का घर ढूंढते हैं और वहाँ पे जाके घर को क्लीन करते हैं, उसके बाद डिनर करते हैं। तो ये थी हमारी रेत और मोल की स्टोरी। इसकी जो भी एक्सरसाइज है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।